भोपाल के हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने मानस भवन में कर्मश्री संस्था की बैठक में आगामी तिरंगा यात्रा के आयोजन की योजना पर चर्चा की। इस बैठक में तय किया गया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा अखंड भारत स्मृति दिवस के अवसर पर 14 अगस्त को होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विधायक रामेश्वर शर्मा ने बैठक में अपने संबोधन में कहा कि जिसके हाथ में तिरंगा हो वह हमारा है, हम उसका हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भोपाल के हर क्षेत्र के देशभक्तों को जोड़ना है। यात्रा 1 घंटे की होगी, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। शर्मा ने धार्मिक स्थलों के संदर्भ में भी टिप्पणी की, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या चर्च ना जा पाए कोई बात नहीं, लेकिन तिरंगे को नमन करना नहीं भूलना चाहिए। विधायक शर्मा द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित तिरंगा यात्रा में पिछले वर्ष लगभग 25,000 लोगों ने भाग लिया और अखंड भारत का संकल्प लिया था। इस साल भी ऐसी ही व्यापक भागीदारी की उम्मीद जताई जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में भले ही कई घंटों से हो रही भीषण वर्षा ने कठिनाइयां पैदा की हैं, फिर भी भोपाल के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 1500 कार्यकर्ता उपस्थित हुए। यह बैठक इस बात का प्रमाण है कि समाज के विभिन्न हिस्सों से लोगों की भागीदारी और समर्थन बहुत मजबूत है। यह आयोजन न केवल तिरंगे के प्रति लोगों की निष्ठा और प्रेम को प्रकट करेगा, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को भी प्रोत्साहित करेगा। आज कर्मश्री संस्था की यहाँ पर बैठक मानस भवन में आयोजित की है। हर वर्ष विशाल तिरंगा यात्रा भोपाल की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और देश की सबसे विशाल और भव्य तिरंगा यात्रा अखंड भारत को समर्पित होती है, क्योंकि इस दिन जो भारत का विभाजन हुआ है वो हिंदुस्तानियों को और देशभक्त नागरिकों को किसी भी कीमत पर पसंद नहीं था। आज भी हिंदुस्तानी लोग ये कहते हैं कि हमारा लाहौर हमको मिलना चाहिए, हमारा इस्लामाबाद हमको हिंदुस्तान में मिलाना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान की सीमाएं कोई नेता तय नहीं करता है, तो परमात्मा ने तय की है। और परमात्मा ने जो हमारे देश की सीमाएं तय की है उनको आज नहीं तो कल हम भारत में मिलाकर अखंड भारत का सपना पूरा करेंगे। जो राष्ट्रगान हम गाते हैं जिसमें सिंध का भी उच्चारण हम करते हैं, वो सिंध भी हम मिलाकर रहेंगे, वो बंग भी हम हिंदुस्तान में मिलाकर रहेंगे। इसकी स्मृति में हम जो है अखंड भारत की स्मृति में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन होता है। 14 तारीख को प्रातः 10 बजे जो है मदर टेरेसा स्कूल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कुलार से शुरू होकर ये बैरागढ़ संत हिरदाराम नगर तक जाएगा। ये तिरंगा यात्रा हिंदुस्तानियों की जनभावनाओं की तिरंगा यात्रा है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का संदेश की यात्रा है, शहीदों के नमन करने की यात्रा है। और आज हिमालय की चोटी पर हमने तिरंगा जो फहराने का संकल्प लिया है उसको पूरा करने की यात्रा है, और दुनिया को ये बताने का संदेश देने की यात्रा है कि ना तो हिंदुस्तान की तरफ बुरी आंख से देखो, देखोगे तो आंख फोड़ देंगे, हाथ उठाओगे तो हाथ तोड़ देंगे। ये हिंदुस्तान डरने वाला नहीं, डराने वाला नहीं, लेकिन बदतमीजों को औकात में रखने वाला हिंदुस्तान बन गया है और आगे भी बढ़ता जाएगा।